Hi, good afternoon to all my viewers. This is Shivani Kapoor and you're watching Cricket Maiden. So bhai, in this video, we're going to talk about all the cricket news and updates. Aaj to bhai, India team ki taraf se bahut sari cricket updates hain. Toh un sab ke baare mein aapko main fatafat se bataungi. Usse pehle aap channel ko like karenge and subscribe karenge and video ke comments agar aapke koi honge, toh aap end mein likh sakte hain. So bhai, sabse pehle hot news ye hai that Rohit Sharma has probably made himself available for the ODI series versus श्रीलंका. तो भाई सबको पता है दैट एंड ऑफ द मंथ जो है श्रीलंका के साथ T20I एंड ODI सीरीज शुरू होने वाली है एंड ऑब्वियसली एवरीवन नोज दैट रोहित शर्मा इज नाउ रिटायर्ड फ्रॉम T20Is. तो भाई वो ODI फॉर्मेट में जो है वापस आने की सोच रहे हैं. तो गौतम गंभीर का कुछ इफेक्ट जो है वो हमें अभी से ऑलरेडी देखना शुरू हो गया, क्योंकि गौतम गंभीर ने कुछ दिन पहले डिमांड की थी दैट रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड जसप्रीत बुमराह शुड पार्टिसिपेट इन द ODI सीरीज. दे शुड नॉट टेक रेस्ट बिकॉज इसके बाद जो है काफी लंबा गैप है टीम इंडिया को, तो वो रेस्ट तब भी ले सकते हैं. एंड अभी जो है चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में बहुत कम मैचेस हैं टीम इंडिया के, सो ही रियली वॉन्ट्स दीज प्लेयर्स टू प्ले. तो भाई विराट कोहली एंड बुमराह की तरफ से तो अभी तक नो ही आई है, बट इंडिकेशंस ये आ रही हैं दैट रोहित शर्मा इज यू नो कीन टू प्ले, ही विल प्रोबेबली से यस. देखिए रोहित शर्मा कैप्टन है, इट इज बेटर दैट यू नो जो भी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करनी है, जो भी आगे के प्लान्स बनाने हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के भी प्लान्स बनाने हैं गौतम गंभीर के साथ, वो रोहित शर्मा पहले से ही उनके साथ अपना कंफर्ट लेवल एस्टैब्लिश कर लें. एंड जो भी यू नो ODI सीरीज के हिसाब से, नॉट टेस्ट बट ODIs के हिसाब से जिस तरीके से टीम को फॉरवर्ड लेके जाना है, किस कॉम्बिनेशन को खिलाना है, पूरा ध्यान रखना है दैट श्रीलंका के अगेंस्ट ODIs हैं, फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट ODIs हैं एंड देन फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी है, वो कहीं भी हो, श्रीलंका में हो या UAE में हो. तो भाई गौतम गंभीर एंड रोहित शर्मा शुड बी इन प्रॉपर सिंक एंड सिंस देयर आर यू नो जस्ट 6 ODIs बिटवीन नाउ एंड चैंपियंस ट्रॉफी. तो ये तो भाई अच्छी न्यूज है, रोहित शर्मा अवेलेबल है. एंड ऑलवेज आई हैव ऑलवेज सीन दैट रोहित शर्मा जब भी टीम को जरूरत होती है, कॉल आती है किसी भी सीनियर प्लेयर की, कोच की, तो ही ऑलवेज स्टैंड्स अप. यू नो अफगानिस्तान के लिए भी वो अवेलेबल थे, उन्होंने अफगानिस्तान से एक मैच भी जिताया था डबल सुपर ओवर में जो गया था. तो रोहित शर्मा कंट्री के लिए हमेशा खड़े होते हैं, जबकि विराट कोहली पतली गली से इधर उधर से निकल जाते हैं. आजकल वो लंदन बैठे हैं, ऐसा भी नहीं है कोई फैमिली इमरजेंसी है या यू नो उनकी बड़े सारे रीजंस एंड एक्सक्यूजेस हमने सुने हैं पिछले कुछ सालों में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. वो कीर्तन वहां अटेंड कर रहे हैं अनुष्का शर्मा के साथ, फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं. तो भाई उनके पास टाइम नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए. तो भाई हमें सबको पता है कि विराट कोहली की जो प्रायोरिटीज हैं वो चेंज हो गई हैं एंड यू नो रोहित शर्मा जो है अभी भी कंट्री के लिए पूरा अवेलेबल है. तो वेरी वेल डन रोहित शर्मा, हम आपको वेलकम करते हैं और बहुत एक्साइटेड हैं कि हमारे जो एक्चुअल कैप्टन है एंड नॉट अ स्टैंड इन कैप्टन, एक्चुअल कैप्टन going to lead in the ODI series versus Sri Lanka. तो भाई अगर रोहित शर्मा अगर 1% चांस है नहीं अवेलेबल हुए, देन KL राहुल के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी. काफी लोग इस बात से खुश नहीं है क्योंकि KL राहुल ने फाइनल में 66 रन्स बनाए थे 107 बॉल्स में, तो लोग उस चीज के लिए उनको माफ करने को अभी तक तैयार नहीं है. सो पीपल रियली डोंट वॉन्ट टू हिम टू लीड इन द ODI फॉर्मैट. बट अगर यू नो रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं होते, देन आई थिंक KL राहुल ही लीड करेंगे. सो एनीवे ये तो अपडेट थी रोहित शर्मा की. दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है दैट इज T20I का जो कैप्टन है, हमने कल रात को काफी डिस्कशन की, आज सुबह भी मैंने एक यू नो रिएक्शन वीडियो डाला था, तो आप वो भी वीडियो देख लेना, मैं इस वीडियो के साथ उसका लिंक भी दे दूंगी. सो भाई स्काई वर्सेस हार्दिक पांड्या चल रहा है, बड़ी सीरियस डिस्कशन चल रही है. इनफैक्ट आज जो है सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग है, गौतम गंभीर घर से, अपने घर से, दिल्ली में जो उनका घर है उस घर से वो ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करेंगे BCCI की एंड यू नो फाइनल डिसीजन लिया जाएगा वेदर इज गोइंग टू बी हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव. मैंने ये सुना है दैट सूर्य कुमार यादव पे ज्यादा बेंट है बिकॉज ही इज अवेलेबल ऑल थ्रू आउट द ईयर इन ऑल फॉर्मैट्स. अभी वैसे उनकी एक इंजरी हुई थी, सर्जरी हुई थी, बट मोर और लेस उनको इतने इंजरी के हैसल्स नहीं रहते हैं एंड लार्जली बिकॉज हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं होते, ही गेट्स इंजर्ड एवरी 6 months. तो BCCI को हार्दिक पांड्या की फिटनेस पे जो है प्रॉपर भरोसा नहीं है दैट यू नो ही विल बी अवेलेबल फॉर ऑल मैचेस एंड कोई ना कोई बहाना लेके, फिटनेस का ये वो बहाना लेके वो यू नो आउट ना चले जाएं किसी सीरीज से एंड गौतम गंभीर डज नॉट वॉन्ट दैट. तो आज फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा मीटिंग में.
वेंसडे को ये मीटिंग होगी एंड मोस्ट प्रोबेबली रात तक या कल तक मैक्सिमम हमारी जो टीम है जो यू नो श्रीलंका जाने वाली है ओडीआई एंड टी20आई की जो टीम है वो अनाउंस हो जाएगी. सो वी हैव टू वेट पेशेंटली. मीटिंग खत्म होने दीजिए. मीटिंग के बाद और भी खबरें आएंगी एंड लेट्स सी किन खबरों में कितना यू नो मेरिट है एंड टीम सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए टीम है. तो टीम अगर आज शाम को आ जाए तो लाइव सेशन में आज अपनी टीम के बारे में फुल ऑन यू नो उसका स्क्रूटनी करेंगे, बाइसेक्शन करेंगे, ट्राइसेक्शन करेंगे एंड एकदम उसको काट पीट के चीड़ फाड़ के रख देंगे. जो भी टीम होगी उसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे. सो एनीवे यशस्वी जायसवाल के लिए बड़ी अच्छी खबर है. वो उनका रैंक जो है एक लेवल ऊपर चला गया. लास्ट वीक उनका T20I रैंक जो था वो 7th था एंड दिस वीक इट्स 6th. तो भाई ही इज द सेकेंड हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग फ्रॉम इंडिया. सूर्य कुमार यादव की रैंकिंग ऊपर है, वो 2 पे है एंड देन यशस्वी जायसवाल जो है जिन्होंने अभी परफॉर्मेंस करी है वैसे उतनी खास नहीं परफॉर्मेंस आई थी बट स्टिल उनको एक रैंकिंग का बेनिफिट मिल गया एंड शुभमन गिल को काफ़ी सारी रैंकिंग्स का बेनिफिट मिल गया. हालांकि वो अभी 37 पे हैं इन द T20I फॉर्मेट बट फिर भी उनको काफ़ी अराउंड 20 प्लेसेस का जंप मिल गया ड्यू टू हिज परफॉर्मेंस वर्सेस जिम्बाब्वे. सो भाई कंग्रेचुलेशंस टू द यंगस्टर्स. अब जो है रोहित शर्मा एंड विराट कोहली स्लोली स्लोली रैंकिंग में गिरते जाएंगे एंड ये यंगस्टर्स जो है स्लोली रैंकिंग में ऊपर आते जाएंगे. सो एनीवे सो आज ये शाम को टीम आ जाएगी तो टीम में हम आपको आपके साथ डिस्कशन करेंगे लाइव में लाइव सेशन में अराउंड 10:15 के करीब करीब अनलेस कुछ तड़कती भड़कती कोई न्यूज़ आ जाए तो हम जल्दी लाइव आ जाएंगे. अदरवाइज वो हमारा रेगुलर टाइम है 10:15 का तभी हम लाइव आएंगे एंड टीम आ जाएगी तो टीम के बारे में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे. सो भाई पारस महामरे जो है टीम इंडिया के फॉर्मर बोलिंग कोच उन्होंने कहा है दैट अर्शदीप कैन यू नो बी वेरी वेल ग्रूम्ड into India's fourth bowling fourth pacer for the Australia series जो end of the year होने वाली है. उसमें उन्होंने कहा है कि अगर ये first class cricket में properly focus करे, first class cricket खेले, इनको proper guidance मिले, then हम अर्शदीप को अपने साथ Australia series में लेके जा सकते हैं as the fourth bowling option. तो भाई सबको पता है कि Australia की pitches होती है pacey होती है, उनमें bounce होता है, वहाँ fast bowlers का ज़्यादा save होता है rather than the spinners. तो भाई वहाँ जितने ज़्यादा जो है हम टेस्ट क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस लेके जाएंगे उतना हमारे लिए बेटर है. सो भाई हमारे बुमराह तो हैं ही, शामी हैज स्टार्टेड बॉलिंग इन द नेट्स तो ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है एंड ही इज़ गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर द ऑस्ट्रेलियन सीरीज. ये तो अभी कंफर्म न्यूज़ आ गई है. अब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो होंगे कि नहीं होंगे ये थोड़ा सा देखा जाएगा. सो वील हैव टू वॉच इफ शामी इज अवेलेबल फॉर न्यूजीलैंड बट ही इज मोस्ट डेफिनेटली अवेलेबल फॉर द ऑस्ट्रेलियन सीरीज. तो दूसरे पे सर शामी हो जाएंगे, थर्ड नंबर पे आपके सिराज है एंड फोर्थ नंबर पे जो है अर्शदीप सिंह कैन बी ग्रूम्ड. वैसे बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, देश का मुकेश है, आवेश है, यू नो पेसर्स में बहुत ऑप्शंस है. उमरान मलिक को भी यू नो फास्ट बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट BCCI ने दिया है सो उनको भी ग्रूम किया जा सकता है. मयंक यादव जो है वो भी इंजरी से ठीक हो गए, उनको भी ग्रूम किया जा सकता है लेकिन आई थिंक उनको इतनी जल्दी मौका नहीं मिलेगा. अर्शदीप के पास रियलिस्टिक चांस है 6 महीने बाद यू नो ही कैन गो टू ऑस्ट्रेलिया. सो लेट्स सी इफ दैट कैन हैपन. वैसे BCCI ने कह दिया है कि स्ट्रिक्टली जो लोग बांग्लादेश एंड न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में खेलने वाले हैं वो दुलीप ट्रॉफी में 1 या 2 मैच जरूर खेलेंगे एक्सेप्ट विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह. तो इन तीनों को एक्सेप्शन है, इनके अलावा जो है सारे जो प्लेयर्स हैं उनको 1 या 2 दुलीप ट्रॉफी के मैचेस जरूर खेलने होंगे. सो एनीवे टीम इंडिया की यही सारी अपडेट्स अभी तक आई थी. टीम आने वाली है, कैप्टनसी में सूर्य कुमार यादव फ्रंट रनर है, हार्दिक पांड्या को इंजरी के वजह से थोड़ा सा पीछे हो गए हैं. सो भाई बहुत सारी खबरें हैं एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द टीम बिकॉज हम इंडिया का मैच जो है 27 से इंजॉय करना चाहते हैं. सो इसके अलावा जो न्यूजीलैंड है उसने काफ़ी अपना होम सीरीज की डिक्लेयर कर दी है, बड़े सारे मैचेस जो हैं पाकिस्तान के साथ रख लिया है. तो भाई न्यूजीलैंड को पाकिस्तान को पीटने में बड़ा मजा आता है, उसके पीट पीट के उनकी रैंकिंग है एंड प्लेयर्स के स्टैट्स जो है इम्प्रूव हो जाते हैं. तो भाई नवंबर में पहले उनका इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच है नवंबर एंड दिसंबर में. तो इंग्लैंड विल गो टू न्यूजीलैंड, जब इंडिया जब यू नो ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो इंग्लैंड न्यूजीलैंड जाएगी. फिर एंड ऑफ दिसंबर उनके T20Is हैं अगेंस्ट श्रीलंका, तो श्रीलंका इज द सेकेंड दिस थिंग. फिर उसके बाद ODIs भी खेलेंगे वो श्रीलंका के अगेंस्ट
एंड देन मार्च में जब चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो जाएगी, एक बहुत लंबा T20Is एंड ODIs का सिलसिला शुरू होगा विद पाकिस्तान। तो भाई 16th मार्च से अप्रैल 5th तक कंटिन्यूसली इनके मैचेस होंगे। तो भाई हमारे को बड़ा मजा आता है जब पाकिस्तान के मैचेस होते हैं, क्योंकि इन्होंने तो हारना ही है, इतना अपनी बेइज्जती करवानी है। तो भाई बेइज्जती इनकी देख देख के हमें तो काफी फील आती है। तो भाई न्यूजीलैंड का बड़ा स्ट्रॉन्ग होम सीजन आ गया है, उनका शेड्यूल आ गया है। सबसे पहले वो इंग्लैंड से खेलेंगे, फिर वो श्रीलंका से खेलेंगे, फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जाएंगे, और उसके बाद जो है पाकिस्तान आएगा न्यूजीलैंड एंड वहां वो ODIs एंड T20Is खेलेगा। सो भाई न्यूजीलैंड का चलिए देखते हैं उनका जो नेक्स्ट न्यू जनरेशन ऑफ प्लेयर्स हैं। रचिन रविंद्रा को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, सो हाउ डू दे परफॉर्म अगेंस्ट दीज टीम्स। सो भाई पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से खबर ये है दैट कुछ सर्जरी वर्जरी इन्होंने शुरू की थी, ये वो चेंजेस करने के लिए शुरू किया था, बट वो सर्जरी कहीं बीच में हॉल्ट हो गई है। वहाब रियाज एंड वो अब्दुल रजाक को जैसे ही उन्होंने निकाला है, उसके बाद जो है टीम में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। अभी तक प्लेयर्स की कोई खबर नहीं आई है कि किसी को बाहर किया जा रहा है, अंदर किया जा रहा है। तो चैंपियंस ट्रॉफी में अभी वो बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं कि इंडिया जो है वो कोई इंडिकेशंस दे नहीं रहा है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी क्या पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा। अरे इंडिकेशंस आपको BCCI से क्या लेनी है, आप मेरे से इंडिकेशन लीजिए दैट इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं जा रहा है। हाइब्रिड मॉडल होने वाला है, इंडिया के मैचेस जो है वो UAE में होने वाले हैं, एंड नॉट ओनली इंडिया, मुझे सुनने में ये आया है दैट अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड ऑस्ट्रेलिया हैव ऑब्जेक्टेड टू गो टू पाकिस्तान। तो लेट्स सी अगर पाकिस्तान में कौन से मैचेस होते हैं एंड कौन से मैचेस जो है वो बाहर हाइब्रिड मॉडल के अंदर शिफ्ट होते हैं। बट पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो ये उम्मीदें छोड़ दें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली उनकी ग्राउंड्स में खेलने आएंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ जो है वो नहीं होने वाली है। सो एनीवे काफ़ी रोना धोना वहाँ चल रहा है, काफ़ी धमकियाँ भी आ रही हैं, बट आई बिलीव ऐसा कुछ डिसीजन लिया गया है दैट अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमारा जो डिसअप्रूवल आएगा कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो वो BCCI जो है ICC के साथ शेयर करेगा एंड ICC आगे जो है वो पाकिस्तान PCB को कम्युनिकेट करेगा। तो हमारा कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन विद PCB नहीं होगा, जो भी इंटरेक्शन होगा वो ICC के साथ होगा। जो भी हमें एक्सप्लेनेशंस देनी है, जो भी हमें चिट्ठियाँ दिखानी है गवर्नमेंट की तरफ से या किसी की भी तरफ से, वो हम सीधा ICC को दिखाएंगे एंड नॉट PCB। तो भाई पाकिस्तान वाले ज़्यादा क्वेश्चंस आप ना पूछिए तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि जो BCCI की डीलिंग है वो डायरेक्टली ICC के साथ है, एंड आप जो है आपने अपने वेन्यूज़ की प्रपोजिशन दे दी है, अब हमारे ऊपर है दैट हम उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। आप तो बस ये प्रे करिए कि जो बाकी कंट्रीज है लाइक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, ये वहाँ खेलने आ जाए, अदरवाइज ऐसा ना हो पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो बाहर शिफ्ट हो जाए, UAE शिफ्ट हो जाए, और आप जो है बस पैसा इन्वेस्ट करते करते ही रह जाए। सो एनीवे दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड बहुत सारी मैंने आपको अपडेट्स दे दिए। अगर आपको कोई कमेंट्स है तो आप ज़रूर इस टाइम नीचे लिख सकते हैं, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू जॉइन अस इन द इवनिंग इन द लाइव सेशन जहां हम और भी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, और अगर टीम आ जाएगी तो टीम के बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे टुडे।